हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश जोशी व्लॉग्स। सो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध है सारे तरफ। और अभी आज पता नहीं क्या होगा मौसम का, वैसे कल भी धूप आ गई थी, क्या पता आज भी आ जाए। तो एकदम कड़क धुंध है और लाइट आई भी नहीं है। तो अभी थोड़ी देर फिर पानी भी गर्म करना था नहाने के लिए, ठंड में नहाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। इतने शक्तिमान तो हम है नहीं कि ठंड में ऐसे नहा लेंगे। तो अभी देखना, सो गाइज अभी देखना पड़ेगा कि लाइट कितनी देर में आती है, वरना मम्मी से गर्म करवाना पड़ेगा गैस पे पानी थोड़ा सा नहाने के लिए, फिर जाके नहाएंगे। आज भी स्कूल जाना है तो अभी देखते क्या होता है। सो गाइज दूध वाले अंकल भी आ चुके हैं और योगेश दूध लेने गया हुआ है। तो ये देखिए आप, लाइट आई भी नहीं है आज। तो अभी थोड़ी देर में, पता नहीं कितनी देर में आएगी लाइट, तो फिर तब ना पानी गर्म करने के लिए लगाना पड़ेगा पहले, तब नहाऊंगा, वरना फिर गर्म करना पड़ेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज बड़ी मुश्किल से बहुत देर में जाके लाइट आई और उसके बाद मैं नहा धो के जोत बत्ती करके अब तैयार हो चुका हूँ एकदम। अब रोटी खानी है और धुंध अभी भी वैसी है, सुबह जैसे सुबह थी वैसे भी हुई है। तो अभी पता नहीं क्या होगा आज। आज स्कूल में दूसरा दिन है मेरा और कल का दिन तो इतना खास नहीं था। आज 2:30 बजे छुट्टी होगी शायद हमारी, तो वो मैं आके बताऊँगा आपको क्यों हुई थी। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, तो पहले खाना राजमा की दाल, दूध और रोटी है, तो खाते हैं और चलते हैं स्कूल में और आपको आके मिलता हूँ। सो गाइज रोज़ की तरह मैं तो हो गया जल्दी रेडी, मतलब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। योगेश तो अभी तैयार हो रहा है, पता नहीं उसको कितनी देर लगेगी। तो हम बाहर की ओर आ गया, मैं कहा कोई बात नहीं तो आराम से मैं चलता हूँ। तो अभी मफलर, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मफलर भी पहन लेता हूँ। तो आता है योगेश और मैं थोड़ा आराम आराम चलता हूँ और उन वगैरह से मिल के फिर जाता हूँ मैं, और मिलता हूँ आपसे स्कूल से आके। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे वापस और अभी बज चुके हैं शाम के 3:30 हो चुके हैं। मैं 2:30 बजे आज छुट्टी हुई थी हमारी, तो हम आगे थे। तो अभी रोटी पे पानी खा के उसके बाद अभी अंदर आया हुआ हूँ। तो बाहर धुंध वैसी है और आज मेरी बुआ आई है, तो आपको मिलाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है मेरे फूफा जी और ये है मेरी बुआ, और दोनों माँ बेटियाँ एक ही बेड पे बैठी हुई हैं। पता नहीं इनकी क्या सारा दिन आज बातें चल रही हैं, और ये बैग फट गया तो इसे सिल रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ। तो सुबह से लेके अभी तक मौसम पहले मतलब थोड़ा सा अंतर हुआ है, पर धूप नहीं आई बिल्कुल भी, धूप वैसी की वैसी है। और अभी मेरा मास्क भी चेंज हो गया, क्योंकि मैं जो मास्क पहन रहा था उसको मतलब धोने के लिए रखा हुआ है, धो रहा हुआ है मैंने, तो वो धोने के लिए गया हुआ है। और अभी थोड़ी देर में ट्यूशन भी जाना है, तो क्लासेस तो आज से अब लगानी बंद ही होगी क्योंकि स्कूल खुल गए। और ये फूफा जी और की कार है, तो इसमें आए हुए थे। तो अभी पता नहीं क्या होगा। आज मैंने पहली बार अपनी इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर की है, वैसे की है एक बार मैंने, पर वो मेरी खुद की रील नहीं थी। आज मैंने खुद की रील बना के शेयर किया, तो मैं आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, देख सकते हैं आप, इसको विजिट ज़रूर करना। और हाँ, मेरा एक दोस्त है UV21, उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया क्योंकि उसकी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे थे, और मेरे से कहता कि थोड़ा बहुत मेरा ये प्रमोशन कर देना। मैं कहा मेरे कौन से लाखों सब्सक्राइबर है जो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूँ। हाँ मैं बोल दूंगा, पर मैं उसे ये कहूँगा कि भाई देख, मेरे भी व्यू बहुत ज़्यादा कम आते हैं, 20 व्यू आते हैं सारे 24 घंटे में, फिर भी संतुष्ट रहे, जितने तेरे व्यू आ रहे हैं ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से किसी को बूम तो मिलेगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो उससे कहूँगा तू बना, और आप लोग ज़रूर उसके एक बार चैनल को विजिट कर लेना। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं ट्यूशन के लिए और अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितना बड़ा चूहा है और मैं इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब, ये सोच रहा है इसको कोई देख रहा नहीं है, पता नहीं क्या खा रहा है ये, देखिए आप इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको इतनी पास से देख रहा हूँ, ये तो पोज दे रहा है पता नहीं क्या खा रहा है इसे। और गुलाब के फूल में देख सकते हैं आप कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। तो इस चूहे को थोड़ा बहुत परेशान, इसे भगाते हैं यहाँ से वरना अंदर घुस जाएगा। ये उठाया मैंने झाड़ू और ये रखा यहाँ पे पैर, आई भाग गया। अभी वहां से भी गाइस भगाना पड़ेगा इसे, टू 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 टू, यहाँ पे फार्म है गाइस, इसलिए उई वहां भाग गया गाइस जी वापस। अरे उसके अंदर घुस गया, तो अभी शक्तिमान बन के उसके अंदर से निकालते थे। टन टनन, भागो भागो यहाँ से भागो, जल्दी 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 गया गाइस, अभी तो यहाँ से लगता है, तो बाहर रह के देखता हूँ शायद चला गया गाइस।
हाँ गाइस, यहाँ से तो चला गया चूहा। यहाँ पे ऐसी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे फार्म है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं, तो घर में भी आ जाते हैं और घर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो इसलिए भगाना पड़ता है। कई बार तो मारने ही पड़ते हैं चूहे, तो अभी चूहों को छोड़ते हैं और अंदर चलते देखते हैं क्या करते हैं। गाइस, जिसका मुझे नहीं था इंतज़ार, अब भी वही घड़ी आ गई है, तो अब ट्यूशन जाने का टाइम आ गया, 4:30 बज गए हैं, और अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, अब फिर से ट्यूशन जा रहा हूँ, तो अभी बैग वगैरह लेता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर भारी वीडियो बनाता हूँ, अभी बैग वगैरह लेता हूँ और फिर जाऊँगा और फिर आऊँगा 7:00 वही टाइम हो जाएगा। तो मतलब पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, घर में मैं 1-2 घंटे रहता हूँ, वो भी बुआ और भी आए हुए थे, उनसे भी अच्छी तरह से बातचीत नहीं हो पाई, वो भी कह रहे अभी गया अब 7:00 आएगा, वो पता नहीं 7:00 तक शायद चले भी जाएँ वापस। तो बस सारा दिन बिजी है गाइस, ज़िंदगी दोबारा से वैसी होगी पर उससे ज़्यादा कठिन होगी है, तो अभी इसकी भी आदत डालनी पड़ेगी, पहले तो डेली भी थी, अब दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 8 और मैं ट्यूशन से 7:30 पहुंच चुका था, मतलब घर पे 7:30 पहुंच चुका था, तो अभी जोत बत्ती करके अभी आया हूँ, तो ठंड एकदम बहुत हुई होगी, मैं तो जी नहीं करता रही जो बाहर आने, तो अभी करते हैं वीडियो का एंड, आज का वीडियो ये तक, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।